वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटेंसी में क्वेश्चन नंबर 15A करेंगे। तो देखिए, करंट एसेट, आपको करंट एसेट दी हुई है 4,10,000। इट देन पेड ट्रेड पेबल ₹50,000। करंट रेशियो वाज 2.4:1, ये आपका करंट रेशियो गिवन है। असर्टेन द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल, ये आपने निकालना है, ठीक है। तो देखिए, करंट एसेट माइनस ट्रेड पेबल, करंट एसेट है 4,10,000, ट्रेड पेबल की पेमेंट की है 50,000। तो आपकी जो करंट एसेट है आफ्टर पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल 3,20,000। अब आपका जो करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट बटे करंट लाइबिलिटी 2.4:1 इज इक्वल टू 3,60,000 अपॉन CL। अब देखो, मैथ में आपने पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 CL इज इक्वल टू 3,60,000, CL इज इक्वल टू 3,60,000 अपॉन 2.4, ₹1,50,000, ये आपकी क्या आ गई, करंट लाइबिलिटी। तो देखो, एक तो आपसे करंट लाइबिलिटी पूछा है, अब आपसे क्या पूछा है, वर्किंग कैपिटल पूछा है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट 3,60,000 है, करंट लाइबिलिटी 1,50,000 है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई 2,10,000, ये आपकी करंट वर्किंग कैपिटल आ गई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15B करेंगे। फिफ्टीन बी में करंट एसेट आपको दी हुई है ₹7,20,000। इट देन परचेज प्लस परचेज गुड्स 30,000। तो ये आपकी करंट एसेट हो गई 7,50,000 रुपये। करंट रेशियो करंट एसेट बटे करंट लाइबिलिटी, और ये आपको दिया हुआ है 3:1, 7,50,000 अपॉन CL, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3CL इज इक्वल टू 7,50,000, CL यानी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी 7,50,000 बटे 3, 2,50,000, ये आपकी CL हो गई, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल वही जैसे पहले किया, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो 7,50,000 माइनस 2,50,000 इज इक्वल टू ₹5,00,000, ये आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, करंट रेशियो आपको दे रखा है 2:1, क्विक रेशियो आपको दे रखा है 1.5:1, करंट लाइबिलिटी आपको दे रखी है 1,60,000। अब आपने करंट एसेट, क्विक एसेट और इन्वेंट्री, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट बटे करंट लाइबिलिटी 2:1 इज इक्वल टू करंट एसेट बटे 1,60,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो करंट एसेट आ गई आपकी 3,20,000 रुपए। अब पहला आंसर तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्विक रेशियो निकालेंगे, तो क्विक एसेट बटे करंट लाइबिलिटी, तो ये है 1.5:1, क्विक एसेट और आपकी 1,60,000 दे रखा है करंट लाइबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक एसेट आपकी होती है 2,40,000, ये आपका सेकंड आ गया, ठीक है। अब इन्वेंट्री, अब देखो, जो इन्वेंट्री है, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट का डिफरेंस होता है, तो करंट एसेट आपकी 3,20,000 है, क्विक एसेट 2,40,000 है,
तो ये आपका कितना बचेगा, 80,000 रुपये बचेगा। तो ये आपका इन्वेंट्री आ गया। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन। 16B देखेंगे, करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1, क्विक रेशियो दे रखा है 0.95:1, करंट एसेट्स आपको दी हुई है 17 लैक्स, आपने करंट लाइबिलिटी निकालनी है, क्विक एसेट निकालनी है और इन्वेंट्री निकालनी है, ठीक है। अब देखिए करंट रेशियो, करंट एसेट बटे करंट लाइबिलिटी, 2.5:1 इज इक्वल टू 17 लैक्स, सीएल 2.5 CL इज इक्वल टू 17 लैक्स, तो CL इज इक्वल टू 17 लैक्स 2.5, तो ये आपकी आ जाएगी 6,80,000 रुपये। इसके बाद क्विक रेशियो 0.8, क्विक एसेस्ट बटे करंट लाइबिलिटी 0.95:1 इज इक्वल टू क्विक एसेस्ट, और ये दे रखा है आपको करंट लाइबिलिटी आपको निकाली है 6,80,000 रुपये। तो क्विक एसेस्ट हम निकालेंगे ₹6,46,000 आ गया आपका क्विक एसेस्ट। अब इन्वेंट्री निकालने के लिए करंट एसेस्ट माइनस क्विक एसेस्ट, करंट एसेस्ट 6,80,000 दे रखा है और ये आपका जो है 6,46,000 रुपये आया है। ये करंट एसेस्ट आपको दे रखा है 17 लाख और 6,46,000, तो 10,54,000 रुपये ये आपका क्या बच जाएगा, इन्वेंट्री बच जाएगा। 16C देखेंगे, वर्किंग कैपिटल ₹5,40,000 दिया हुआ है, करंट रेशियो 2.8:1 दे रखा है, इन्वेंट्री 3,30,000 दिया हुआ है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी और क्विक रेशियो आपने निकालना है। तो देखिए वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, 2.8 - 1, 1.8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इफ वर्किंग कैपिटल 1.8 देन करंट एसेट 2.8, वर्किंग कैपिटल 1 देन करंट एसेट 2.8 1.8, और आपकी वर्किंग कैपिटल 5,40,000 दे रखी है, तो करंट एसेट निकालेंगे 5,40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8,40,000 रुपये। ये आपकी करंट एसेट आ गई, पहला पॉइंट, ठीक है। अब देखिए वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल 5,40,000 दे रखी है, ये 8,40,000 आई है माइनस करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी आपकी कितनी बच जाएगी, 3 लैक्स बच जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्विक एसेस्ट, क्विक एसेस्ट के लिए करंट एसेस्ट में हम इन्वेंट्री माइनस करेंगे, 8,40,000 माइनस 3,30,000, ये इन्वेंट्री आपको 3,30,000 दे रखा है, तो ये बच गया 5,10,000। तो देखिए क्विक रेशियो, क्विक एसेट बटे करंट लाइबिलिटी 5,10,000 बटे 3 लैक्स 1.7:1, ये आपका क्विक रेशियो आ गया 1, 2, 3, ये आपके तीन आंसर। 17 में देखेंगे, करंट एसेट ₹7,20,000 दिया हुआ है, करंट रेशियो 2.4:1, आफ्टरवर्ड इट मेड पेमेंट 1 लैक्स टू द क्रेडिटर्स, कैलकुलेट। अब देखिए सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटी निकालेंगे, तो करंट रेशियो करंट एसेट बटे करंट लाइबिलिटी 2.4:1 इज इक्वल टू 7,20,000 बटे CL, 2.4 CL इज इक्वल टू 7,20,000, तो CL आ गई आपकी 3 लैक्स।
ठीक है। अब देखो करंट एसेट 7,20,000 रुपए, करंट लाइबिलिटी 3 लैक्स लेस। अब क्या कहा है कि आपने पेमेंट टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर 1 लैक्स की पेमेंट कर दी, तो 1 लैक्स इसमें से माइनस करोगे और 1 लैक्स इसमें से माइनस करोगे तो ये आपका बचेगा 6,20,000, क्योंकि कैश कम हो गया, इधर क्रेडिटर कम हो गए तो ये क्या बच गया, 2 लैक्स बच गया। अब करंट रेशियो निकालेंगे, करंट एसेट बटे करंट लाइबिलिटी 6,20,000 बटे 2 लैक्स 3.1:1 ये आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो 1.2:1, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 रुपये दे रखी है। आपने करंट एसेट और इन्वेंट्री निकालना है, करंट एसेट और इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। तो देखिए वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी 4-1=3। इफ वर्किंग कैपिटल 3 देन करंट एसेट 4, इफ वर्किंग कैपिटल 1 देन 4/3। वर्किंग कैपिटल 1,80,000 तो ये आ गई 2,40,000, ये आपकी करंट एसेट आ गई 2,40,000। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल आपको 1,80,000 दे रखी है, करंट एसेट 2,40,000 आई है, करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो 60,000 रुपये आपकी क्या बच गई, करंट लाइबिलिटी बच गई। अब क्विक रेशियो क्या होता है, करंट क्विक एसेट बटे करंट लाइबिलिटी 1.2:1, क्विक एसेट बटे 60,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक एसेट आपकी आ गई 72,000 रुपये। अब आपने क्या निकालना है, इन्वेंट्री। तो देखिए इन्वेंट्री निकालने के लिए करंट एसेट माइनस क्विक एसेट 2,40,000 माइनस 72,000 1,68,000 ये आपका क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा। इनमें करंट रेशियो 2.4:1 ये अंडरस्टूड होगा। करंट एसेट आपको दे रखी है 1,81,10,400, इन्वेंट्री 79,23,300, ठीक है। आपने लिक्विड रेशियो निकालना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट रेशियो करंट एसेट बटे करंट लाइबिलिटी 2.4:1, 1,81,10,400 बटे करंट लाइबिलिटी 2.4 CL इज इक्वल टू 1,81,10,400। तो CL आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो हम निकालेंगे। तो देखिए करंट लाइबिलिटी निकालने के लिए7,28,200, 3,1,0,5,120,96,754,600 ये आपकी करंट लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए करंट लाइबिलिटी आने के बाद करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, इन्वेंट्री है, तो करंट एसेट आपको कितनी दे रखी है, 1,81,10,400 माइनस इन्वेंट्री 79,23,300। तो देखिए 1,001,78,101 ये आपकी आ गई लिक्विड एसेट। करंट लाइबिलिटी 7,54,600,
क्विक रेशियो निकालेंगे, क्विक एसेस्ट बटे करंट लायबिलिटी, इसको क्विक एसेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1,01,87,100 बटे 7,54,600 आप रेशियो निकाल लेंगे और ये रेशियो आएगा 1.35:1, ये आपका क्यू के रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे क्विक रेशियो 1.5:1, करंट एसेस्ट 1 लैक्स, करंट लाइबिलिटी 40,000, इन्वेंट्री निकालना है आपने। तो देखिए करंट एसेस दे रखी है, ये दे रखा है, इन्वेंट्री आपने निकालना है। तो किस प्रकार से इन्वेंट्री निकालेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्विक रेशियो होता है क्विक एसेस्ट बटे करंट लाइबिलिटी, 1.5:1 इज इक्वल टू क्विक एसेस्ट बटे 40,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक एसेस्ट आपकी 60,000 रुपये आ गई, ठीक है। इन्वेंट्री करंट एसेस्ट माइनस क्विक एसेस्ट, करंट एसेस्ट आपको 1 लैक्स दे रखी है, क्विक एसेस्ट 60,000 दे रखी है, तो आपका इन्वेंट्री जो है वो कितना बच जाएगा, 40,000 बच जाएगा।